ये सूरजमुखी का फूल है, इसको अगर आप गौर से देखें तो कैसी खूबसूरती नज़र आती है। इसको थोड़ा सा फासले से हम जूम आउट करें, जस्ट लाइक दैट, इसकी ये इसकी जो बैक साइड है, और अगर हम इसको फ्रंट साइड से ज़रा ऑब्जर्व करें और इसको हम अगर जूम आउट करते हैं जी, अगर आप देखें कि ये सूरजमुखी का फूल है, इसको हम जूम आउट कर रहे हैं, इसको अगर आप गौर करते जाएं तो ये बड़ा ख़ूबसूरत फूल है। और इस खेत में हमने ये सूरजमुखी लगाया है, इसकी जो हाइट है तकरीबन 5-6 फुट तक है, इसमें अभी फूल लग रहे हैं। अगर आप इधर से देखें तो चांद में फूल लगे हुए हैं, चांद जो हैं वो अभी पौधे हैं। और इसके अगर तने का बगौर मुतालिया किया जाए तो इसका ये जो तना है, अगर आप देखें तो ये देखें कि कितना बड़ा इसका ये तना है। और इसकी जो हाइट है वो अगर हम आपको दिखाएं तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा है। इसमें इसके वेट की वजह से अगर आप इसको गौर करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका वेट है, ये देख रहे हैं। और इसकी मैं एक अच्छी सी पिक्स लेना चाह रहा था जो कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी दे सकूं, तो हम ये देखें कि ये क्या इंटरेस्टिंग सीन है इनका। तो इस दफ़ा हमने अपने खेत में ये लगाए हुए थे, और ये और साथ में सूरज के जो ग़ुरूब होने का मंज़र है वो भी नज़र आ रहा है, ये हर एक फूल के अंदर। इसको देखें तो इसमें ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर कोई वायरस का अटैक हुआ है। यहाँ से देखें आपको बिल्कुल फूल के अंदर से, अब ये देखें कि यहाँ से हम इसको जूम आउट जब करते हैं एक चमक सी आती है। इसके अंदर मुख्तलिफ फूल हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं सूरजमुखी की, तो इसमें अब हर वैराइटी का जो है ना वो अपने हिसाब से एक वो है मंजरनामा पेश करती है। और इस फूल की अगर हम खूबसूरती को देखें, ये देख रहे हैं ये जो चमक है इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके अंदर ये चीज़ें हैं नोट करने वाली हैं, ये बड़ी इसके अंदर ये देख रहे हैं ये जो बिल्कुल ब्लू ब्लू सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये वो मक्खी आए या छोटे छोटे जो हशरात हैं जो इसके फूल के अंदर थोड़ा सा इस वक्त हार्मफुल भी हैं, इसको स्प्रे की भी ज़रूरत है। अब इसमें से ये थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे इस पर वायरस का अटैक लग रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको स्प्रे किया जाए। तो ये फूल देखें, इसके ऊपर देखें तो ये बिल्कुल कदरे बेहतर है उनकी निस्बत। तो और ये बड़ा आजकल का जो वो है, ये देखें कि इसके अंदर जो चमक है वो बड़ी दीदनी है।